Open Gangnam Style. Gangnam Style. ओपन गंगनम स्टार। दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस मस्ती और हंगामे भरे शो में जिसका नाम है होटल फोर सीजन प्रेजेंट्स कैंपस लाइफ और मैं हूं आपका दोस्त कपिल। दोस्तों आज हम मौजूद हैं नौगांव के सनराइज कॉलेज में जहां पर हम करने वाले हैं यहां के स्टूडेंट के साथ ढेर सारी मस्ती और गॉसिपिंग और जानते हैं इनकी कैंपस लाइफ का हाल। तो आइए अब हम रूबरू होते हैं यहां के स्टूडेंट के साथ। आपका नाम? शेख नदीम। शेख नदीम जी किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? बीसीए फोर्थ सेम। बीसीए फोर्थ सेम में आपकी स्टडी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रही है। कुछ याद है आंसर वगैरह आपको स्टडीज के? हाँ सारे याद हैं। सारे याद हैं। एक कुछ फॉर्मूला बताएंगे आप? फॉर्मूला किस चीज से रिलेटेड? किसी का भी, किसी भी लैंग्वेज का। डॉट नेट में जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डेम एज डेम वेरिएबल का नेम एज फिर डाटा टाइप जैसे इंटीजर फ्लोट ऐसे डिफाइन करते हैं। चलिए ये पढ़ने वाला स्टूडेंट से ये खैर चलिए हम लास्ट की बात गर्ल्स को भी वरू करते हैं जानते हैं उनकी लाइफ का हाल। जी आपका नाम? शिफाली खरे। शिफाली जी ताकि छात्रा है आप? बीसीए फोर्थ सेम। आप मुझे कोई गाना गा के सुनाइए। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए साथ मेरा ओ हम नवा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारी सेवा देना साथ मेरा ओ हम नवा। थैंक यू शिफाली जी आप तो बहुत ही अच्छी सिंगर हैं आपको तो ऑडिशन वगैरह में ट्राई करना चाहिए। जोरदार तालियां शिफाली के लिए। गर्ल्स के बाद अब हम रुक करते हैं यहाँ के बॉयज का और देखते हैं उनके अंदर कितना है पोटेंशियल इस प्रोग्राम को लेके। चलिए आपका नाम? सत्यम रिछारिया। सत्यम जी आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? दिल आजकल मेरी सुनता नहीं है। दिल आजकल मेरी सुनता नहीं है। चलो भगवान करे इस गाने के माध्यम से भगवान आपके दिल की बात सुने। दिल आजकल मेरी सुनता नहीं दिल आजकल पास रहता नहीं ये तुझसे ही मिलने को चाहे ये तेरी ही करता है बातें क्या तुम हो क्या तुम हो वही। जोर तालियों से स्वागत करें सत्यम जी का। अब वॉइस के बाद अगेन हम फिर रुक करते हैं गर्ल्स टीम का और देखते हैं उनमें कितना है पोटेंशियल इस शो को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम शीतल हिरवार है। शीतल जी आप यहाँ किस क्लास की स्टूडेंट्स हैं? मैं यहाँ बीसीए फोर्थ सेम की क्लास स्टूडेंट हूँ। आप हमें आज क्या सुनाने वाले हैं? मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। चलिए स्वागत है सुनाइए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें तुम ही कह दो अब है जाने अदा हम क्या करें लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें। ये मस्ती और हंगामे का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आपके सपनों के घर को साकार करता कॉन्सेप्ट मार्केटिंग अब नए अंदाज में आपके लिए। शानदार इंपोर्टेड आइटम के साथ अब नए लुक्स के साथ इंडियन फर्नीचर्स भी उपलब्ध। सोफा, डाइनिंग, डबल बेड, सिंगल बेड, स्टडी टेबल, सीनरी एवं और भी फर्नीचर अब नए लुक्स के साथ, नए अंदाज के साथ किफायती कीमत पर। कॉन्सेप्ट मार्केटिंग लेकर आया है आपके सपनों का संसार आपके द्वार। इंडियन एंड इंपोर्टेड फर्नीचर्स के लिए छतरपुर में बस एक ही नाम, कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। बेटर थिंकिंग, बेटर प्लानिंग, यही है कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। संपर्क करें पेप्टेक प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, सागर रोड, छतरपुर। वेलकम बैक वंस अगेन योर फेवरेट शो होटल फोर सीजन प्रेजेंट्स कैंपस लाइफ। चलिए सिंगिंग राउंड के बाद अब बात करते हैं हम कॉमेडी और मस्ती राउंड की। अब देखते हैं यहाँ पे कौन किसकी कॉमेडी करने वाला है। आपका नाम? माय नेम इज प्रीति गौतम। प्रीति जी, आप किसकी कॉपी करने वाले हैं? मैं अनुराग तिवारी जी की और मिस्टर उमेश पारा सर जी की। ये कौन है आपके कॉलेज में? ये मेरे कॉलेज फैकल्टीज हैं। क्या बात है, फैकल्टीज की कॉपी होने वाली है यहाँ पर, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी प्रीति जी का। चलिए करिए। जैसे कि हमारे अनुराग तिवारी जी क्लास में आते हैं, उनसे आते ही साथ खोलते ही जैसे स्टूडेंट किताब खोलेंगे उस कहेंगे, हाँ भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अरे यार जल्दी करो ना। और जैसे ही फिर हमारे उमेश पारा सर जी क्लास में आते हैं, उनसे तो कुछ भी पूछो कुछ भी पूछो, उनका माइंड ना इतना डाइवर्ट रहता है कि कभी कभी तो वो बोलने लगते हैं कि यार डिस्टर्ब मत करो, क्यों डिस्टर्ब करते हो, जब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना तो मुझे खुद पता नहीं रहता हूँ मैं चलता कहाँ हूँ, बैठता कहाँ हूँ, उठता कहाँ हूँ। यार कितना क्या बात है। चलिए ये आज की जनरेशन के जो मार्गदर्शन दे रहे हैं स्टूडेंट, उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं, क्या जनरेशन है। चलिए अब हम यहाँ पे मस्ती और गॉसिपिंग राउंड के बाद, और कोई किसी की कॉपी करना चाहेगा, कोई जोक चुटकुला कोई करना चाहेगा कोई? चलिए जो कौन आप करना चाहेंगे। आपका नाम? पुष्पेंद्र प्रजापति। पुष्पेंद्र प्रजापति जी, चलिए स्टार्ट कीजिए, क्या करना चाह रहे हैं आप? सर मैं एक जोक सुना रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा मजा आएगा जी, ध्यान से सुनिएगा। सर मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं अपनी बर्थ पे सो रहा था, नीचे दो आंटी बैठी थी, एक क्यू में 70 वर्ष थी, एक क्यू में 60 वर्ष। 60 वाली 70 से बोली, बहन आप क्यू में कितनी होगी? बोली यही कहीं 22 साल। मैं तो उठ के बैठ गया। अब 70 वाली 60 से बोली, बहन आपकी कितनी होगी? बोली आपसे 2 साल कम। मैं ऊपर से गया धम, मैंने आंटी ने मुझे उठाया, बोले क्या करूं, मैंने कहा आंटी मैं भी पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। चलिए जोरदार तालियां पुष्पेंद्र जी के लिए, क्या मस्ती थी, जोरदार तालियां दोनों के लिए। अब जोक और गॉसिपिंग राउंड के बाद हम बात करते हैं एक फनी गेम की, तो हम खेलेंगे यहाँ के स्टूडेंट साथ कुछ फनी गेम्स। वॉइस टीम से मुझे एक बंदा चाहिए, कौन आएगा वॉइस टीम से, कौन आएगा? चलिए आपका नाम? हरिश्चंद्र बरात। हरिश्चंद्र जी आप यहाँ खड़े जाइए। गर्ल्स टीम से कौन आना चाहेगा? आपका नाम? वंदिता। वंदिता जी आइए आप भी आइए यहाँ पर। चलिए एक कोई हैंकी दीजिए, इनकी आंखों पट्टी बांधिए कोई। वंदिता जी आपको कुछ दिख रहा है? नहीं कुछ नहीं, नहीं, नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, हरिचंद जी आपको सब दिख रहा है जी सर? ठीक है हरिचंद जी, और पास में आ जाइए आप, और पास में आ जाइए, ठीक है ना। वंदिता जी मैं आपको उनको बता दूं, आपसे ये एक हाथ की दूरी पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं एक बार छू सकते कितना डिस्टेंस है, उठाइए हाथ और हरिचंद पास में, ठीक है ना, इतने डिस्टेंस में आपको। अब मैं आपको एक बिंदी दे रहा हूँ, वो आपको एक ही बार में इनके माथे पर लगाना है, सही जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है? आपको एक ही चांस दिया जाएगा, वो सही जगह पे पुट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि गर्ल्स को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है बिंदी लगाने का,
तो देखते हैं आप कितने सही जगह पर पहुंचते हैं। स्टार्ट कीजिए, लगाइए बिंदी एक ही जगह पे, नहीं एक जगह हाथ रखा वहीं लगा बिंदी जहां पर रखा। जरा पट्टी खोलिए आप होगी, जरा पट्टी खोलिए, क्या सही जगह लगी बिंदी? हरिचंद दिखाई कैमरा में से। चलिए वनिता जी थैंक यू, हरिचंद जी थैंक यू। चलिए थोड़ी सी और मस्ती को आगे बढ़ा लेते हैं, करते हैं एक और जोक राउंड, देखते हैं कि किसमें कितना है दम। गर्ल्स टीम से कौन आने वाला है जो सुनाने के लिए? जी आपका नाम? रानी रेगवार। किस क्लास की स्टूडेंट हैं आप? बीकॉम सेकंड सेम। बीकॉम सेकंड सेम की, आप क्या सुनाने वाले हैं? मैं जोक सुनाने वाली हूँ समाज के बारे में। समाज के बारे में, चलो अच्छी बात है। जोरदार तालियों से स्वागत करें रानी जी का। हमारी जो फिल्मी दुनिया के हीरो हैं उन्होंने हमारी सोसाइटी को किस प्रकार से गंदा किया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फिल्मी दुनिया के हीरो भी क्या गजब ढाते हैं, फिल्मी दुनिया के हीरो भी क्या गजब ढाते हैं, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाते हैं। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, बड़े प्यार से गीत गाया, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तुम्हें बोली रे, अरे ओ भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया की सभी खूबसूरत लड़कियों पर तेरी सत्ता है? तो पहले ये तो बता, तू आदमी है या कुत्ता? सिंगिंग राउंड, कॉपी राउंड, जोक राउंड के बाद अब हम रुक करते हैं डांसिंग राउंड का, और कितने एक्टिव हो अपने डांसिंग राउंड को लेकर। चलिए डांस के लिए कौन आना चाहेगा यहाँ पर? चलिए आपका नाम? आशीष पाल। आशीष जी किस गाने पर डांस करने वाले हैं? एजी होजी। एजी होजी, चलिए देखते हैं इनका डांस। एजी ओजी जोरदार थी। एक बार आशीष जी के लिए तालियां बजाइए। आशीष जी आप कहीं से डांस सीख रहे हैं क्या? हाँ मैं सिखाता भी हूँ और सीखता भी हूँ, द बेस्ट डांस एकेडमी नोगा। वाह क्या बात है, मतलब एक कोरियोग्राफर को ही हमने यहाँ डांस करवा दिया। चलिए खैर ये तो थी बॉयज की बात, अब हम रुक करते हैं गर्ल्स टीम का, देखते हैं कि गर्ल्स टीम क्या इनको कॉम्पीट कर पाएंगी या नहीं। गर्ल्स टीम से कौन आना चाहेगा? आपका नाम? रागिनी अहरवाल। रागिनी जी आप क्या करने वाले हैं? कमली सॉन्ग पे डांस करने वाली है। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें रागिनी जी का। जलावांगी जद पत्थर राजा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी। शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगे आना मैदानम, फेर माही असनम जानम कीव करे आना मैदानम, शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगे आना मैदानम। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। झील दिल को शाम तेरा आलम, शब गुजरी ते जग सोया नीम जगे आना मैदानम, मेरे माही असनम जानम।
तालियां रागनी के लिए। रागनी जी आप तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। थैंक यू। प्रदर्शन किया आपने सेल्फ, चलिए बहुत अच्छा डांस है। सिंगिंग राउंड, डांसिंग राउंड, कॉपी राउंड, गॉसिपिंग राउंड के बाद अब हम रुक करते हैं हमारे मटका फोड़ राउंड का और देखते हैं कि किसमें कितना है दम। ये घड़ा कौन फोड़ पाता है आंखों में पट्टी बांधकर, एक छोटा सा गेम है। चलिए बॉयज टीम से कौन आना चाहेगा, चलिए आपका नाम? अरशद खान। अरशद जी, चलिए बॉयज टीम से हमारे पास पार्टिसिपेट आ चुके हैं अरशद खान जी। अरशद जी, एक घड़ा है, आपकी आंखों पर एक पट्टी बांधी जाएगी। आप अभी देख लीजिए कितना डिस्टेंस है आपके घड़े से। पट्टी बांधने के बाद आपको तीन राउंड में घुमाऊंगा। आपको तीन राउंड के बाद आपको निशाना लगाना है कि घड़ा फूटता है या नहीं फूटता है। रेडी हैं आप? चलिए एक क्विंटल आपको पट्टी बांध लिया कर। जोर से लगाइए। क्या बात है, बस 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 बस। चलिए खैर ये तो एग्जाम पर खड़े नहीं उतरे हैं। आप देखते हैं गर्ल्स टीम को, गर्ल्स टीम से कौन आना चाहेगा? चलिए आपका नाम? प्रीति मिश्रा जी। गर्ल्स टीम से इस गेम को खेलेंगी प्रीति मिश्रा जी। तो आइए देखते हैं क्या बॉयज पे गर्ल्स भारी पड़ती है। एक और तीन राउंड, एक राउंड और लगाइए निशाना। कहाँ है घड़ा आपका? घड़ा फूटना चाहिए। क्या बात है, चलिए यहाँ पे ये तो शो हो गया कि बॉयज से बढ़कर गर्ल्स होती हैं। वो कहावत है ना कि लेडीज फर्स्ट, जी हाँ, तो यहाँ पर भी लेडीज नहीं बारी मारी है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीति जी, आप थैंक यू। जो काम एक बॉयज ने करके नहीं दिखाया वो एक गर्ल्स ने करके दिखाया। एक बार तालियां प्रीति जी के लिए। दोस्तों मस्ती और हंगामे के बाद अब हम मिलते हैं यहाँ के सनराइज कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जी से और जानते हैं इस कैंपस लाइफ शो के बारे में, उनके थॉट्स की उनकी राय क्या है इस शो को लेकर। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में, कैंपस लाइफ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कैंपस में आकर के जो है यहाँ कैंपस लाइफ जो है सो बच्चों के बीच में आपने किया, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक कैंपस लाइफ के का सवाल है तो जैसे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, तो बालकों की रुचियों और अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए यदि पाठ्यक्रम या टीचिंग के साथ साथ जो है को करिकुलर एक्टिविटीज अगर महाविद्यालय या विद्यालय में कराई जाती हैं तो इससे जो है बालक का सर्वांगीण विकास होगा। जैसे कि सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बालक का मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका नैतिक विकास इत्यादि आता है। तो जो ये करिकुलर एक्टिविटीज हैं यदि किसी शिक्षण संस्थान में समय समय पर होती रहती हैं शिक्षण के साथ साथ, तो इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास और समाज में अपने आप को समायोजित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से बालक का सर्वांगीण विकास के लिए ये सारी एक्टिविटीज होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं आप पेपटेक चैनल्स के कैंपस लाइफ टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए और महाविद्यालय के छात्रों के साथ आपने पार्टिसिपेट किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मस्ती और हंगामे का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए कॉलेज में नए स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Open Gangnam Style. Gangnam Style. My enemy kid.
있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남스